मुख चरण नबाऊं। हेलो बुझे गजानन गणपति ये श्रोता जितने और बैठे यहाँ पे अमृत समझ कर पीजिए। ये कर जोर के बिनती सभी से ये कर जोर के बिनती सभी से और सिर्फ सा सब मेरी नमस्ते लीजिए। आइए परमादरणीय जनता जनार्दन एवं यहाँ के आज के रसिया दंगल को यहाँ कराने वाली सम्मानित वंदनीय कमेटी और
और जितने भी यहां उस्ताद खलीफा विराजमान है, सर्वदलीय उस्ताद खलीफा, सीटी बंद करें भाई साहब। जैसे कि हमारे राघव खलीफा जी, सभी उस्ताद खलीफाओं जी के चरणों में बार बार नमन करते हुए, बार बार आशीर्वाद लेते हुए, मैं अपने नंबर की शुरुआत अखाड़ा खिचोमल आटे वाले गुरु किशन शर्मा जी की तरफ से करने के लिए जा रहा हूं। अभी आपने बहुत ही बढ़िया नंबर सुना, सुना भी देखा भी, विप्र अखाड़े वालों की तरफ से बड़े ही जोर शोर के साथ में अपने नंबर की प्रस्तुति देकर के गए। एक छंद लिखवा करके लाए और वो नया नहीं था, बिल्कुल नहीं, पुराना था। बेटा पीछे करो, वो स्वर्गीय चंदो लाला जी लिख करके धर गए, चुका उन पे ऐसी कविता थी, उनके पास में केवल ऐसी कविता थी, बिल्कुल शब्द के नीचे शब्द, मत के नीचे मत, छंद का तुमने गौरा जी का जवाब गाया, महाराष्ट्र में जाने के लिए भोले बाबा का जवाब हमसे मांगा है, तो इधर से भोले बाबा का ही जवाब होगा। तोमर जी देते जवाब होगा और भांग का एक गोला भी मिलेगा तुझे। बेटा आराम आराम दे, एक टुकड़ा अभी अभी गाया था, मुझे बड़ा मलाल होता है। पिछली साल इसी मंच पर दंगल हुआ था राय वालों से, जी अखिलेश आकाश से, वो यही मंच पर गा रहे हो कि ते दादा ते मेरी अम्मा सेट है गई। ओहो सेट, आहा, सो बुढ़ाने में गायो गाओ भैया, पिछली साल आकाश इसी मंच पर गा करके गया और इसी टुकड़ा को ओमवीर शर्मा जी भी गाया करते हैं। अब जन कौन सा चोटा है तुम्हें यही मालूम ना हती जो आज उगा कर दे ये, पर मेरा काम है, तुमने गाया है, मेरा काम है जवाब देने का। मेरो जरूर लगायो कि मेरे बाबा थे, तेरी अम्मा मेरी अम्मा, जो ना कही कि तेरे दादा थे मेरी अम्मा, बच्चे हैं सीख रहे हैं कोई बात नहीं जानकर, उसका भी मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अभी अभी एक गीत और गाया था आपने, कहानी तीन की है, उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। और जो अभी अभी ब्लू फिल्म सी दिखा रहे गए मंच पे, हट पीछे हट पीछे, ये मंच उन चीजों लायक नहीं है जो तुम दिखा रहे हो, ये बेटा पढ़ाना है, देख ले जालों को। छंद का भी जवाब दूंगा, तुम्हारे दोनों टुकड़ों के भी जवाब दूंगा, और पिपरा खाड़े वाले हो ऐसा जवाब दूंगा कि ईंट का जवाब पत्थर से घिस करके दूंगा। तो नंबर की शुरुआत आटे वालों की तरफ से आप लोग सुनेंगे। हाँ साहब, यहाँ को
ध्यान देना। अरे बात, अरे बात हार बलना सधो और तामलिए डोले नाथ, और तामलिए डोले नाथ। लालूराम मस्तान, अरे रात बार हलना लधो ना पलिए भोले ना, लालूराम मस्तान तुम्हारे विराजमान है यहां पर। तुमने चिकड़ी गाई, रहा आस में वो माना है, रहा आस वो माना है छाप बनाने, जाओ महाराष्ट्र में जो जाना है आप जनाने बन जाओ। तो कहना क्या है हमारी तरफ से सुनिए। अरे साहब आस में, तुम कह रहे थे आस में, अरे साहब आस में जो जाना है, जाप सयाने बन जाओ, अरे वहां बास में सोताना है और साफ रवाने बन जाओ। चंग है के मैं ना खाऊं। लालूराम उस्ताद मंच पे थे, नीचे उतरनो परगो लिखवावे तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे जमाने को छंदो है इन पे आगे लड़ाई जी छंद को मालूम है क्या तरीका थे। हाँ साहब धुन बजाओ मास्टर साहब, छुप गए सारे नजारे, वो क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, हो क्या बात हो गई चाचा। अरे छुप गए सारे नजारे, हो क्या बात हो गई। अरे तूने कहा जरे
लगाया दिन में रात हो गई। हाँ जी जिका उन्हें सुने ना आए वो डांसर आए उन्हें करके वो बोलो के मैं अच्छे अच्छे अरमा मचल जाते हैं और मोए 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 देख के बूढ़े बूढ़े डोखरन के का है जा तो काम चल जाते अरमा मचल जाते हैं जन कौन कौन काम डोल लो इन बातन लो। हाँ हाँ बच्ची है इसीलिए कच्ची है। और झिका उन्हें कबू ना सुनी हनी प्रीत सी लग रही है। और बाबा आसाराम से लग रहे हो तू हनी प्रीत सी लग रही है। कितने पुराने नो तुम रोमने नो गाओगे जाठिया लोग जाने में कुछ लिखी ना पायो कह रहे थे भैया जाना जाना देख लंबोदर नाम न तेरा तू ज्यादा फेट है गयो लंबोदर नाम न तेरा ज्यादा फेट है गयो। और देखो इशारों कर दो भैया मेरे माऊ। हाँ भैया सामने बारे हो मेरे माऊ इशारों कर दो के तेरी अम्मा अब मैं कह रहा हूं तेरी अम्मा तेज दादा मेरो सेट है गयो। अब ये किस्सा कहां का है एक बात और कह रहे थे खास लीला है गई हास लीला है गई अरे राम लीला के चक्कर में वो रास लीला है गई। यही बात है भैया अगर काफिया से काफिया लड़ जाए तो ताली आप लोगों की होगी। और देखो हकीकत कहूंगो अरे लड़ो बिना तीर के अरे लड़ो बिना तीर के बिना राम वीर के लड़ो बिना तीर के बिना राम वीर के बुढ़ाना में प्यारी बकवास लीला है गई बुढ़ाना में प्यारी बकवास लीला है गई बुढ़ाना आजी नागेश तोमर अरे लड़ो बिना तीर के बिन राम वीर के बुढ़ाना में प्यारी बकवास लीला है गई बुढ़ाना में प्यारी बकवास लीला है गई। अरे सर से उतर गई चुन्नी अरे सर से उतर गई चुन्नी मदनाम है गई मुन्नी देखिए अरे सर से उतर गई चुन्नी बदनाम जे है गई मुन्नी बूढ़े बूढ़े बाबन की आस लीला है गई बूढ़े बूढ़े बाबन की आस लीला है गई बूढ़े बूढ़े बाबन की आस लीला है गई। दिनेश भैया बिल्कुल चारों चौक से होगी लायो जाए भाड़े में जितना शेष बचता है कलाकार उसको गाता है। डॉक्टर साहब बेटा बादाम खा रहे हो एक महीना से और लॉकडाउन के चक्कर में जन कितने बादाम पीसे खाए गए कहना है पहलवान हुए कलमत आइयो देख लायो जाए भाड़े में सुकर गई चारे में अरे लायो जाए भाड़े में सुकर गई चारे में। डॉक्टर साहब अरे लायो जाए भाड़े में सुकर गई चारे में अरे तू है कमजोर उदास लीला है गई तू है कमजोर उदास लीला है गई। तू क्या के मतलब कोई ना है जा पहाड़े पे लेके आयो कोई तो तेरी उदास लीला
समझ में आ रही है ना आ रही भैया? और अगर जो लाइन समझ में आ जाए तो उनको ताली होनी चाहिए। अरे तू है कमजोर उदास लीला है गई, अरे तू है कमजोर उदास लीला है गई, अरे रसियन के संग में बाबा के संग में तेरी लुगाई की मिठास लीला है गई, तेरी लुगाई की मिठास लीला है गई। बेटा मोह बनाने से कुछ नहीं चलता, ये रसियाबाजी का मैटर होता है। हाँ लंबोदर नाम न तेरो ज्यादा है कहे गयो, और तेरी अम्मा ते दादा मेरो से कहे गयो। लल्लू राम उस्ताद, अब हम क्या कह रहे हैं, ये कहानी है लंबोदर नाम न तेरो तू ज्यादा फेट है गयो, और तेरी अम्मा के संग में दादा मेरो सेट है गयो। रावण, हाँ भैया थोड़ी सी शांति, रावण और कुबेर में बात हो रही है, रावण और कुबेर में बात हो रही है, क्योंकि दोनों सौतेले भाई थे, दोनों सौतेले भाई थे। तो मेरा कहना क्या है, तुम तो जो कह रहे हो मेरी अम्मा के संग में दादा तुम्हारा सेट है गयो, तो मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। अरे जब ते तेरो दादा मिलो है, अरे जब ते तेरो दादा मिलो है तो होलिया टेट है गयो, अरे जब से तेरो दादा मिलो है होलिया टेट है गयो। काफिया समझ में आ रही है, होलिया टेट कहे तो कहते हैं गांव की भाषा है, एक लल्लू राम उस्ताद आराम से बैठो मंच पे, कहना है मेरा। और इतना तो भगवान ने आप लोगों ने मुझे निपुण बनाया है कि तुम्हें संतुष्ट जरूर करूंगा मैं, कहना है। अरे जब ते तेरो दादा मिलो है वो होलिया टेट है गयो, अगर काफिया से काफिया लड़ जाए तो तालियां, अरे होलिया टेट है गयो, के मेरी अम्मा के संग रह के मलिया में टह गयो, मेरी अम्मा के संग रह के मलिया में टह गयो। देख रहे छंद, देख तेरो दादा तो ऐसा कोई अपना, मेरो दादा तैयार है, अम्मा हो तो भेदी हो। हाँ सर, अरे सो खेतों के अन्न जात में, अरे सो खेतों के और अंतर जात में, अरे मन में तन के जांच रहे, अरे तो बात में और तन में हन के नाच रहे। चपटी है रही गाई,
का को तो मैं जवाब दूंगा ना, जो मत सोचियो मैं करवा सकतूं क्या नंग फजी के है, मैं करवा सकतूं मगर वहां में कोई बात ना थी। नहीं तुम मत करो, अच्छे घर की लड़की हो तो कहना है जो माकून बातें हैं उनके जवाब दूंगा और अपनी तरफ से भी तुम्हें कुछ ना कुछ पूछूंगा। करमवीर भाई रसियाबाजी का गाना गाना सीखो पहले। ओ सोने जोगिया रंग ले हमें भी किसी रंग में, शेरा भैया अरे मिलो न तुम तो हम घबराएं, अरे मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो न आंख चुराए हमें क्या हो गया है। ओ सोने चोगिया हो रंग ले हमें भी अपने रंग में, ओ मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया है। हाँ जी, अब समझने वाली बात है भाई साहब, हम रसिया बहुत जगह गाते हैं मगर आगरा क्षेत्र में जब बुढ़ाना में और धनौली में जब जब दंगल होते हैं, जय हो साहब, जब जब दंगल होते हैं तो सुनकर बस्ती मिलती है। अब तुम्हारे गीत को ही मैं गलत साबित कर रहा हूं, सुनना। तुम कह रहे हो अरे धर्म अधिकारी धर्म धुरंधर वो भय रघुकुल के अंदर कहानी तीन की है, कहानी तीन की है। देख ले कर मेरे माऊ, मेरे माऊ देख ले कर, अरे कहानी तीन की है रघुकुल में। हाँ जी, आप यहां विराजमान है, अगर बात सही हो तो तुम भी तालियां बजाना। भगवान राम और हरिचंद्र की बात आप कह रहे थे, भगवान राम के संग में सीता जी और लक्ष्मण जी और हरिचंद्र के संग में तारा और पुत्र रोहित, तुम कह रहे हो कि रघुकुल की कहानी है। रामचंद्र भगवान के जमाने में रघुकुल था मगर हरिचंद्र के जमाने में रघुकुल नहीं था, वो इच्छांक वंश था। क्या बात है, रघु के जब रघु आए जब से रघुकुल नाम पड़ा। गुरुजी सही है क्या गलत है भैया, तब तक उस वंश का नाम था इच्छांक वंश। नारा लावे थे बेटा कामना चल तुझी, कहना है अब ये तुमने अलग कहानी बना दी। अरे कहानी तीन की है और हाँ जी रघुवंश पुराण में एक लेख आया है भैया, रघुवंश पुराण में एक लेख आया है, अरे राजा अज अरे राजा अज पुत्र दुलह था, राजा अज के पुत्र का नाम था दुलह। जानो परेगो लल्लू राम उस्ताद, नीच बैठो, पहले बैठ जाओ गुरु, पहुंच गए वो मालूम है, जानो परेगो इनने, आज राम भी नहीं है तो इनको लिखना पड़ेगा। देख अरे राजा अज पुत्र दुलह था, अरे ज्ञान का भरा समंदर कहानी तीन की है, कहानी तीन की है। और उनकी पत्नी का नाम था विभावती, दुलह की पत्नी का नाम था विभावती, तो मेरा तीन की कहानी चलेगी। नारी विभा
दीप और वो भी तीनों वनवास के लिए गए थे रानी की खातिर। अरे रानी पे बाप पुत्र दिलीप बतलाए हैं, बतलाए हैं। उनका नाम था दुलहे चंद्र, उनके पुत्र थे दिलीप, तो मेरा कहना है, और पत्नी का नाम था विभावती। वो तीनों वनवास के लिए गए, रघुवंश पुराण का लेख है, तो मेरा कहना है, अरे कोई वंश और कोई अंश था, कोई वंश और कोई अंश था, कोई वंश और कोई अंश था। लिख गए हैं ज्ञानेंद्र कहानी, ना जोर से बोला भैया, जो कह लिखा भैया मेहनत करता के तो घर पे लिख लाए, कम से कम 10 साल पुराने रोमने गा रहे हैं। मगर अरे कोई वंश था कोई अंश था, लिख गए हैं ज्ञानेंद्र कहानी। कहानी तीन की है। और भैया, हाँ जी मास्टर साहब, अरे देख सुबह शाम में दशरथ के धाम में, अगर राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो, राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो, राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। राघव जी, राघव जी तुम तो बहुत बढ़िया छंदा लड़ा ले, तो देखो आज मौका हुआ तुम पे, आज तुम्हारे गुरु ना हतई, तुम्हें मौका हुआ आज गा लो कछु भैया गानो तो। देख, राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो, अरे राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो, अरे राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो, राम नहीं होते तो प्रण कौन पार तो। और भैया, अरे गौतम की घरवारी पत्थर की थी नारी, अगर राम नहीं होते तो कौन पाए तार तो, होते तो कौन बाए तार तो, राम नहीं होते तो कौन बाए तार तो। तो कहना है मेरा, अरे कोई वंश कोई अंश था, लिख गए हैं ज्ञानेंद्र कहानी। तीर की है कहानी, तीर की है। अब देखो मैंने इनकी छंद का भी जवाब दे रहा हूं, दो गीतों के जवाब दिए, अगर आप लोगों की इजाजत है जाए तो कछु मैं पूछ लूं भैया इनमें। हाँ जी, एक टुकड़ा लगा के मास्टर साहब। संजय भैया देखो, सुनते रहो प्यार प्यार से, हमारी तो एक अदा है शेरपाल भैया, हम गाना गाते हैं, ये 51 रुपए का पुरस्कार दिया है के एस चैनल वालों की तरफ से, बिटिया कशिश की तरफ से, एक बार जोरदार आप तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। मुकेश उन गानों को नहीं गाता है जो घिसे पिटे होते हैं, तुम्हारी तबीयत खुश करूंगा इस गीत में। डॉक्टर साहब लिखा है, फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, अरे किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, अरे किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रूमाल मिला है, अरे राह में,
अरे राह में एक रेशमी रूमाल मिला है जो गिराया था किसी ने जान करके, जो गिराया था किसी ने जान करके, जिसका होले बोले जाए अपना जान करके। और गीत भाई तालियां देखना, ये आगरा क्षेत्र की बस्ती है। क्या परना में रख लूंगा उसको अपना जान कर, परना में रख लूंगा उसको अपना जान करे, परना में रख लूंगा उसको अपना जान करे। हाँ साहब, ये 500 एक रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भैया शेरपाल जी की तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करोगे और दोनों पे खुश होकर के दे रहे हैं। कहना है परना में रख लूंगा उसको अपना जान करे। खलीफा जी, आपने तो बहुत रसिया गाए। अरे किस कदर अरे किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, अरे राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, तो जो किराया था किसी ने जान करके, जिसका बोले जाए अपना पहचान करके, परना में रख लूंगा उसको अपना जान कर, परना में रख लूंगा उसको अपना जान करे, परना में रख लूंगा उसको अपना जान करे, किसी हुस्न वाले की निशानी जान कर, निशानी जान कर। अरे हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, अरे कभी कभी इत्तफाक से, अरे कितने अनजान लोग रह जाते हैं, अरे उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं उनमें से कुछ लोग। हाँ भैया, समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो भैया? दारा 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 दारा। अब कहना क्या है जीतू भैया? अंगूठी पे राम जी का नाम लिखा है, अंगूठी पे राम जी का नाम लिखा है, अंगूठी पे राम जी का नाम लिखा है, और अंगूठी पे राम का पैगाम छिपा है, अंगूठी पे राम का पैगाम छिपा है। तो मेरा कहना क्या है कि कहां से पाई थी अंगूठी श्री राम को बता, और क्या दे दी हनुमान को लाना तुम ढूंढ के पता। जब माता सीता की सुध लेने के लिए हनुमान जी लंका को गए तो निशानी के तौर पर भगवान राम ने हनुमान जी को वही निशानी तौर पर अंगूठी दी। तो मेरा कहना है पहले वही अंगूठी सीता ने उतराई में दली, पहले वही अंगूठी सीता ने उतराई में दली, पहले वही अंगूठी सीता ने उतराई में दली। तो मेरा कहना है वो सीता के पास कहां से आ गई, कहां से आ गई। यो मत कह दियो कि मैया सुनैना ने दे दई, ये नहीं बात मानी जाएगी। पहले वो अंगूठी सीता ने उतराई में दई, पर सीता के कैसे, सीता के पास कहां से आ गई, कहां से आ गई। अब मेरा पूछना भैया से, हाँ जी राघव जी, न लिखी हो न कर, तुम तो कब कविता छंद रसिया सब एक मिनट में लड़ाएंगे भारी हो।
भाई मैं तो बालक हूं तुम्हारा। जाते जाते राम जी ने किस किंधा पर्वत पे, अरे जाते जाते राम जी ने किस किंधा पर्वत पे, जाते जाते राम जी ने किस किंधा पर्वत पे, अरे पवन पुत्र हनुमान को आएगो आएगो आएगो, अरे जाते जाते राम जी ने किस किंधा पर्वत पे, अरे पवन पुत्र हनुमान को। ओ भैया हनुमान ले ले भैया ले पान से के ले, एक बार ताली बजा दो जब हटेंगे हनुमान जी। आ जाओ अपने रूप में महाराज, आ जाओ, अरे आ जाओ अपने रूप में, नहीं तुम्हारी शक्ति छीड़ है जावे जी, बैठ जाओ। अरे जाते जाते राम जी ने किस किंधा पर्वत पे, अरे पवन पुत्र हनुमान को। तो कहना क्या भैया, अरे पवन पुत्र हनुमान को देखकर अंगूठी भेजाता हनुमत को, देखकर अंगूठी भेजाता हनुमत को। तो मेरा कहना है, अरे देखकर अंगूठी भेजाता हनुमत को, अरे कहां से मिली अंगूठी ये बताना है, ये बताना है, नहीं तो यहां से भाग जाना है। अरे कहां से मिली अंगूठी ये बताना है, जय हो सभी छंद बजा के मां साहब। भाई परन और कूण माऊ मरात्रि और आज पुरलिया छज रही है, अरे आज पुरलिया छज रही है, अरे भाई परन सूरमा तुम रात्रि और साज कुरलिया छज रही है, ऐसे लड़ गयो छंद तुम्हारो अब तुम बैठ के माखी मारो, वो कह रहे हो खिचो आटे बालो, कह रहे हो खिचो आटे बालो, कह रहे हो खिचो आटे बालो, करके दिए हैं कुछ कमेटी वालों ने नाम लिख, उस धुन को बजाओ जाने। हाँ साहब, हमारे बिजेंद्र गुरुजी का एक रसिया फेमस हुआ था इसी धुन पे। हाँ जी, अरे जाने कितने लए उतारे छिनरिया, और जाने कितने लए उतार छिनरिया, और सगी भाई नाई काऊ जाने कितने लए उतार छिनरिया, सगी भाई नाई काऊ। हाँ जी, कहां है वो तीनों महान मूर्ति? अच्छा, अरे ग्राम बुढ़ाना में ये चर्चा, अरे ग्राम बुढ़ाना में ये चर्चा चल रही खूब प्रधानी की, अरे ग्राम बुढ़ाना में ये चर्चा चल रही खूब प्रधानी की, अरे ग्राम बुढ़ाना
पर फिर खड़े और बढ़ा रहे शान। अरे टाल ठोक कर फिर खड़े और बढ़ा रहे है टाल। अरे बेबस्ता, अरे बेबस्ता और करेंगे बिजली पानी की। अरे राम घोड़ा ना में ये चर्चा चल रही खूब बधाई की। अरे और जो भैया मैं नाम लू वो भैया हमें तो ना नौ छावर जरूर कर जाएंगे भैया ने। हाँ सर। अरे डोरी लाल जी की कहन खलीफा जी, अरे डोरी लाल जी की कहन और अच्छो करूं मैं काम। अरे डोरी लाल जी की कहन और अच्छो करूं मैं काम। अरे बहुमत देना मुझे सब और छोटे बड़े तमाम। अरे बहुमत देना सब मुझे छोटे बड़े तमाम। अरे लड़ाई, अरे लड़ाई लड़ानी है ऐलानी। अरे काम बुढ़ाना में ये चर्चा चल रही खूब बधाई की। अरे अरे रविंद्र पहलवान जी का हुआ इरादा नेक। अरे कहीं वोट देना मुझे नर नारी प्रत्येक। अरे ये मन में, अरे ये मन में होश है पहलवानी की। अरे ग्राम उड़ाना में ये चर्चा चल रही खूब बधाई की। अरे ग्राम उड़ाना। अब लास्ट प्रश्न है। अरे तीन तीन प्रधान है खड़े एक को करो चुनाव। अरे तीन तीन प्रधान है और खड़े एक करो चुनाव। अरे सोच समझ कर वोट दो और बिन लालच के भाव। अरे कसर मत कर देना नादानी की। अरे काम बुढ़ाना में ये चर्चा चल रही खूब बधाई की। अरे हाँ जी, अब एक गीत मेरी तरफ से सुनाएंगे। ये इनकी फरमाइश जो लिख करके दिया था और धुन बजाएंगे मास्टर साहब। मैं माटी का गुड्डा और तू सोने की गुड़िया। लुगाई के संग में लिबड़े रहे काए जे ये जे ये। ए रुक जा, रुक जा। हैं यो कह रहा हूं भैया मेरो को घुमे बहन आई घुमे लुगाई। हां भैया मेरो हैं आजा। आ क्या बात है, घर की पत्नी है पत्नी नो कह रहे होंगे। गो न को ठमका लगावे आएगो न को लुपटा ले तो मेरी पत्नी है, घर की पत्नी है पत्नी क्यों गया काम न चले तो। अरे मैं माटी का गुड्डा, अरे तू सोने की गुड़िया। तू माटी का गुड्डा गुड्डा मैं सोने की गुड़िया। अरे तेरा मेरा प्यार हुआ जब याद बदल गई दुनिया। ओ जे कुन सो है, जे कुन सो नाचो है।
जे गणते का नाच हुए जो बढ़िया मान लो के हमारे गुरु गोपाल सिंह परमानना है तुम्हारे नाम जो नाच नाच रहे कावा को नाम तो बहुत जोर तो लेता है वो देख दरिया में तू पाए चितने मेरे दिल में अरमा है तेरे अरे हमको देख के दुनिया बोली हो अरे इनको पकड़ो मारो गोली अरे, अरे, अरे हमको दुनिया पकड़ न पाई हथकड़ियों में जकड़ न पाई अरे हम तो भैया आगे निकल गए पीछे रह गई दुनिया देखती रह गई दुनिया के पीछे रह गई दुनिया के जिद पे अड़ गई दुनिया जिद पे अड़ गई दुनिया और अरविंद भाई बजा ले तू टुन टुनिया देखिए आप और हम बड़े ही बीमारी के एक बीमारी के शिकार हुए जिसका नाम है कोरोना जोड़ते तो बोल दो हम बारा गवैया और बजवैया बहुत परेशान रहेंगे साल कोई तो कह दो कोरोना कोई कह तो करोना हाँ जी एक एक लड़की की नई नई शादी होकर के आई है जब ससुराल में जाती है हाँ जी ताराचंद भैया और सुहागी रात है तब वो अपने बालम से कह रही है और बालम क्या कहेगा अजी सुन रहे हो हम तो बड़े मजे की बात जब बुलाना हूँ नहीं कर रहे मैं जो चौड़े खेत में आप तो बड़े मजे की बात है कन्नो तो पड़ेगा मजबूरी है मेरी हाँ तो करो लाई थी देख जी मेरे भैया बैठे का ही जीव सहयोग करेंगे मेरो जो जाते अलग अलग रह रहा हूँ भैया में कछूत ना की बात है कछूत ना की बात है ओ कछूत ना की बात है और तू मत ना हो उदास अरे कछूत ना की बात पहलवान है देखे अलग रहे अरे कछू दिना की बात है और तू मत ना हो उदास और गाना वो होना चाहिए हम बाद में बोलेंगे पहले तुम बोलोगे कि मत ना हो उदास और जब तक कोरोना चले मत आइयो तू मेरे जब तक ये कोरोना चले मत आइयो मेरे पास देखो डोकरा लपटा के डोल लई कोरोना है जाएगा जाके कोरोना हेरो है मोह तो ऐसी माले पर एक ऐसे चित्तवन मत क्यों में देख अरे जब तक कोरोना चले तू मत आइयो मेरे पास तो सुने अरे लुपटा चुपटी मत कर मोते अरे लुपटा चुपटी करे रसिया बंद करो अरे रसिया बंद करो यार जाई को समझ काम चल लो तो मगर लुपटा चुपटी मत करो तू सुने नहीं नहीं दुल्हन हमारी बन के आई है तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी अरे ठंडा का मौसम नेक जान दे देख अरे लुपटा चुपटी मत कर मोते अरे कर ले अलग बिछोना लुपटा चुपटी करे न मोते अरे कर ले अलग बिछोना तारा चंद भैया मैं भी काबू ढोकरा है बुला के जाते लुपटा चुपटी करवा सकते मगर मंच की मर्यादा को देख करके उल्टी सीधी बात क्योंकि कैमरा लगा हुआ है कहना है अरे लुपटा चुपटी करे न मोते अरे कर ले अलग बिछोना कर ले अलग बिछोना और
अरे गाम गाम और शहर शहर में फैल रहो कोरोना। और सुन ले, काम नाई करनो घटिया, काम नाई करनो घटिया, तू अलग बिछाए घटिया, काम नाई करनो घटिया, तू अलग बिछाए ले घटिया। और अरे दूरी ते मोते बतरइयो, दूरी ते मोते बतलइयो, दूरी ते मोते बतलइयो, कहेगा जे की दूरी होनी चाहिए और रसियल में मोह मत ना लइयो। देख अरे दूरी ते मोते बतलइयो, अब तू मेरे पास ना आइयो, अब तू मेरे पास ना आइयो, दूरी के अपने चंदा से मुखड़ा पे, अपने चंदा से मुखड़ा पे प्यारी तू तो मास्को, अपने चंदा से मुखड़ा पे प्यारी तू तो मास्क लगाइयो। अरे महामारी ते जूझ रहो है देश का कोना कोना, अरे महामारी से जूझ रहो है देश का कोना कोना। हाँ जी भैया राघव जी, काम नाए करनो घटिया, तुम आते तुम यू नसीहत दे रहा हूं, भाभी ते अलग रही हूं कल ते। देख काम नाए करनो घटिया, काम नाए करनो घटिया, तू अलग बिछाए ले घटिया, काम नाए करनो घटिया। और सुन ले, अरे जिंदे रहे तो इश्क करेंगे, जिंदे रहे तो इश्क करेंगे, जिंदे रहे तो इश्क करेंगे। या महामारी में सल्लाए कोई जिंदो रहेगो के न रहेगो, अरे जिंदे रहेंगे इश्क करेंगे, जिंदे रहेंगे इश्क करेंगे। अरे दो गज दूरी को ध्यान धरेंगे, दो गज दूरी को ध्यान धरेंगे, दो गज दूरी को ध्यान धरेंगे। और एक न एक दिन के बीमारी ते हम जीतेंगे, बाबूजी के बीमारी ते हम जीतेंगे, अपने मन में ना डरेंगे, के बीमारी ते हम जीतेंगे, अपने मन में ना डरेंगे। और सैनिटाइजर से हाथों को पल पल पे तू धोना, और सैनिटाइजर से हाथों को पल पल पे तू धोना। काम नाए करनो घटिया, तू अलग बिछाए ले घटिया। अब लास्ट बंदो और सुनो, उसके बाद में भैया का नंबर। नाई मांगे तेरे बाबा दादी, नाई मांगे तेरे बाबा दादी, नाई मांगे तेरे बाबा दादी। हाँ जी खलीफा जी, मेरे पिता ने तो बार बार मना करी के जा कोरोना काल में शादी न होवे, पर नाई मांगे तेरे बाबा दादी, और कोरोना में कर दई, अरे कोरोना में कर दई शादी, कोरोना में कर दई शादी। अब बीमारी के चक्कर में छिन गई सब तेरी आजादी, के अब बीमारी के चक्कर में तेरी छिन गई सब आजादी। अरे जब तक बीमारी मुकेश, अरे जब तक बीमारी मुकेश, मत पास किसी के सोना, और बात ना करनी घटिया, तू अलग बिछाए ले घटिया।